यूं तो पंजाब हरियाणा आपस में बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता निभाते हैं, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिस पर पंजाब हरियाणा आमने सामने होते दिखाई देते हैं। इससे पहले भी पंजाब हरियाणा में कई मामलों को लेकर जो है वो पंजाब हरियाणा की सियासत जो है वो गर्माती नजर आई थी, चाहे वो इसराइल का मुद्दा हो, हिंदी भाषी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो पंजाब हरियाणा के सियासतदान एक दूसरे को घेरते नजर आते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ नया है, सम्मान पर सियासत जो है वो हो रही है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ये मामला किसानों और पुलिस, जो कि शंभू बॉर्डर पर लगातार आमने सामने डटे हुए हैं, उस चीज को लेकर है, क्योंकि हरियाणा पुलिस की ओर से, हरियाणा पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ओर से जो रिकमेंडेशन की गई है केंद्र सरकार को वीरता पुरस्कार को लेकर, उस पर अब पंजाब और हरियाणा में सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है। दरअसल पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार संधवा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख दिया गया है वीरता पुरस्कारों के खिलाफ। जी हां, कुलतार संधवा की ओर से जो पत्र लिखा गया है उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि डीजीपी हरियाणा की ओर से जिन 6 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के नाम वीरता पुरस्कार के लिए भेजे गए हैं, उन पुलिस कर्मचारियों को वीरता पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दरअसल कुलतार संधवा को इन वीरता पुरस्कारों से दिक्कत इसलिए है कि ये वही अधिकारी और कर्मचारी हैं जो कि शंभू बॉर्डर पर तैनात थे और जिनकी ओर से किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने का काम किया गया था दिल्ली कूच करने से। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर पंजाब और हरियाणा आमने सामने होता नजर आ रहा है। कुलतार संधवा की ओर से अपने जो पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि सरकार को शंभू बॉर्डर पर आज की परिस्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए कोई भी फैसला लेने से पहले, और ऐसे में ये जो वीरता पुरस्कार देने की बात कही जा रही है उन अधिकारियों या पुलिस कर्मचारियों को जिनकी ओर से किसानों को रोकने का काम किया गया था, ये कतई सही नहीं है, इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। अब ऐसे में वो पुलिस कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिनकी ओर से अपने अधिकारियों के निर्देशों को मानने का काम किया गया, ये वही अधिकारी या कर्मचारी हैं जिनको जो आदेश मिले उनकी पालना उनकी ओर से की गई। दूसरी ओर किसान बैठे थे जो कि लगातार दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे थे, ट्रैक्टरों के माध्यम से दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ओर से ये रिकमेंडेशन की गई कि ये 6 अधिकारी और ये कर्मचारी जो हैं उनकी ओर से जो परिस्थिति थी उसको टैकल करने के, उस समय की अगर बात करें तो बड़ी ही सही तरीके से परिस्थिति को जो है वो टैकल किया गया था, और इसी को लेकर जो रिकमेंडेशन की गई है वीरता पुरस्कार की, इसीलिए इन 6 अधिकारी और कर्मचारियों के नाम जो है वो डालने का काम किया गया है। अब ऐसे में सम्मान पर सियासत जो है वो पंजाब और हरियाणा में शुरू हो गई है। इससे पहले पानी का मुद्दा हो, SYL का मुद्दा हो, चंडीगढ़ के ऊपर अधिकार का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर बड़ा भाई और छोटा भाई यानी कि हरियाणा और पंजाब दोनों आमने सामने जो है वो होते नजर आए थे। लेकिन इस बार मामला किसानों से जुड़ा है, हरियाणा में चुनाव है और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी चुनावों के अंदर जो है वो पूरी तरह से चुनाव लड़ती नजर आ रही है। एक्टिव तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में सियासत का कोई भी मुद्दा जो है सियासतदान छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे, और इसी को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं किसान के हित की बात करते हुए अगर बात करें, कुलतार संधवा का ये कहना है कि वो किसान आंदोलन के पक्ष में है, किसानों की जो मांगे हैं उनके पक्ष में है, और इसीलिए उनका पक्ष में ये पत्र जो है, उनके पक्ष में जो ये पत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी ओर से लिखा गया है। अब वीरता पुरस्कारों को लेकर पंजाब हरियाणा में छिड़ी इस सियासत पर आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।